सो दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं छोटी छोटी खुशियों की। सो पहली छोटी खुशी है एंड दूसरी ये आ गई। ओके, सो चलो अब अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहली चीज क्या है एंड ओके। सो ये है एक लैपटॉप स्टैंड, आप देख सकते हैं स्विफ्ट का। इसको हम लगा के भी बताएंगे, पहले देख लेते हैं अंदर से कैसा दिखता है। ओके, सो अभी कुछ ऐसा दिख रहा है एंड लगाने के बाद अभी हम आपको वीडियो में बताएंगे कि कैसा दिख रहा है। ओके तो इसको साइड करते हैं एंड अब दूसरी चीज़ों का अनबॉक्सिंग करते हैं। सो ये हमारा पैकेट, ओके। सो गेस करो गाइस, ये भी लैपटॉप के रिगार्डिंग है। पहली चीज़ क्या हो सकती है, कॉमन चीज़। तो काफ़ी टाइम से मेरा मैंने लास्ट वीडियो में शायद आपको बताया होगा, मेरा हेडफोन ख़राब हो गया था। तो ये एक लॉजिटेक का हेडफोन है, मतलब स्पेशली मीटिंग्स के लिए और ये सब चीज़ों के लिए। ओके, वायर्ड है बट सही है। एंड दूसरी चीज़ गेस करो क्या हो सकती है, ये भी अगेन सिस्टम से रिलेटेड है। एक ये है HP का माउस एंड ये यहाँ पे रैपर लगाया, तो आपको माउस नहीं दिख रहा होगा बट क्लियरली हम इसको खोल के देख लेते हैं। सो आजकल कंपनियों ने कवर लगाना काफ़ी शुरू कर दिया है। सो एप्पल वाली फीलिंग देती है कंपनी जब आप कवर खोलते हो। सो ये माउस कुछ ऐसा दिख रहा है। सो तीसरी चीज गेस करो दोस्तों क्या हो सकती है, वो भी टेक के रिगार्डिंग ही है। ओके, तो तीसरी चीज से पहले इसके अंदर कुछ रैपर्स पड़े हैं बड़े बड़े, वो साइड कर लेते हैं। तीसरी चीज है, ये थोड़ी बड़ी चीज है, गेस करो क्या हो सकता है, कीबोर्ड। सो हमारे भाई ने कीबोर्ड गेस किया बट अगेन गेस करो क्या लग रहा है, ये क्या लग रहा है, माइक। ओहो, सो ये है एक माइक जैसा बोल सकते हो बट माइक नहीं। स्पेशली क्या होता था, ये जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ बोया का माइक, तो उसमें क्या होता था, मुझे मोस्ट प्रॉब्ली दिक्कत होती थी कि इसको मुझे बार बार लगाना पड़ता था। बट ये वाला क्या है, एक जगह इसको फिक्स कर सकते हैं एंड फिर इसको यूज़ कर सकते हैं। हम कभी भी मूव होते ये स्टिल रहेगा और थोड़ा अच्छा रहेगा। इसकी भी अनबॉक्सिंग करते हैं। सो ये हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। ओए हो, ये कुछ ऐसा दिख रहा है दोस्तों, कुछ ऐसा दिखता है दोस्तों। ओके, इसके लिए तो मुझे भी अच्छे से एक बार ट्यूटोरियल्स देखने पड़ेंगे कि इसको फिट कैसे करते हैं, बट ये कुछ दिखता ऐसा है। ओहो, तो देखिए इसके मुकाबले काफ़ी बड़ा नहीं है मतलब सही है जो भी है। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, इसकी अनबॉक्सिंग वापस हम करेंगे। तो ये है दोस्तों, काफ़ी आवाज़ कर रहा है, ये है दोस्तों छोटी छोटी खुशियाँ। इन छोटी छोटी चीज़ों से भी हमको खुशी फील होती है। एक छोटा सा ऑर्डर भी एक ऑर्डर होता है, जैसे एक नई चीज़ की खुशी होती है ना, भले ही कितनी भी छोटी चीज़ क्यों ना हो, भले ही आप एक छोटा सा माउस क्यों ना लो, वो नए की फीलिंग है ना, ऐसे नई वाली ही आती है हमेशा। तो इसलिए लाइफ में कुछ नई नई चीज़ें लेते रहें, नई नई चीज़ें करते रहें, यही लाइफ है, इंजॉय करें। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।